गाइज़ आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर ट्राई करने वाले हैं सो so, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो पता होगी कि लाइक like, आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है ठीक है जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से आपको कितने करने हैं गाइज़ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते आप छोड़ सकते हो और 40 क्वेश्चन आने हैं और जिसमें फाइव मार्क्स ईच गाइज़ आपका क्वेश्चन है यानी कि पाँच मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग भी है एक मार्क्स की ध्यान रखना है अगर गलत आंसर करते हो तो एक मार्क्स कट जाएगा अब जा, गाइज जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप भी साथ के साथ अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आप सही आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे यह आपकी खुद की प्रिपरेशन के लिए है और ये इसलिए भी है ताकि आपको पता चले कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टार्ट करते हैं गाइस देखो हमें इस तरीके से केस स्टडी गिवन होगी हमें पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है लास्ट की जो लाइन है वहाँ से आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब इन द अब लाइन यानी कि हमें प्लान पता लगाना है कि कौन से कि यहाँ पर बात करी जा रही है सो गवर्नमेंट हैज़ बीन डबलिंग डाउन ऑन इट्स एफर्ट्स गवर्नमेंट ने भाई मेहनत करना डबल स्टार्ट कर दिया टू स्विच ऑफ

तो अब यहाँ पर गाइस किस बारे में बात हो रही है मेथड स्ट्रेटजी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव सो मेथड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये ठीक है यस yes. ये मुझे स्ट्रेटजी लग रहा है और स्ट्रेटजी ही इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ 2030 तक होता तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी है प्रोग्राम भी नहीं है क्योंकि प्रोग्राम में बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती है चाहे वो पॉलिसी है चाहे वो मेथड है चाहे वो स्ट्रेटेजी है तो ये पूरी तरीके से क्या है स्ट्रैटेजी है क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं और रिसोर्सेज देखते हैं उसको फुल कंप्लीट करने के लिए राइट right? क्लियर है ये केस स्टडी अब हम गाइज अपनी सेकेंड केस स्टडी में पहुँचते हैं इसे भी पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द इंसेंटिव विच वॉज बिंग इग्नोर्ड बाय द स्कूल यानी कि स्कूल ने इग्नोर कर दिया गाइज ऐसा कौन सा इंसेंटिव था ओके ऑन जॉइनिंग ब्लूम पब्लिक स्कूल एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर रोनित रियलाइज दैट इवन थ्रू इवन तो ही इज कैपेबल एंड एक्सपीरियंस टीचर बट ही डिड नॉट हैव एनी फ्रीडम टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्पोर्ट एक्टिविटी बींग कैरिड आउट इन द स्कूल यानी कि पढ़ा लिखा टीचर रखा एक्सपीरियंस टीचर रखा बट फिर भी उसको इतनी फ्रीडम नहीं दी कि वो कुछ भी चेंजेस लेके आ सकें तो अब गाइज ये कौन सा इंसेंटिव है जो इग्नोर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जॉब सिक्योरिटी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉ रिकोगग्नीशन प्रोग्राम तो गाइज़ यहाँ पे बात करी जा रही है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की कि मतलब वहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है राइट right? ना ही जॉब सिक्योरिटी के बारे में है ना ही कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है ना ही रिकोगग्नेशन की तो यानी कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा बंधा हुआ सा है कि वो फ्रीडम नहीं दे रहा कि हम कोई भी चेंजेस कर सकें ठीक है अब थर्ड की स्टडी गाइज थर्ड केस स्टडी में ये क्या पूछते हैं आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मोटिवेशन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन मोटिवेशन का कौन सा फीचर डिस्क्राइब्ड हो रहा है तो ये बहुत आसान सी की स्टडी है रीता रर्न कन्फेक्शनरी इन अ लोकल मार्केट इन ऑर्डर टू मेक द वर्कर इन द कन्फेक्शनरी वर्क ऑप्टिमली शी ऑन वन हैंड प्रोवाइड्स दैम ओवर टाइम एंड ऑन द अदर हैंड इम्पोज पेनल्टी इफ रिक्वायर्ड बाई डिडक्टिंग द वेज भाई वो पेनल्टी भी लगाती है और अगर मेहनत करवा रही है ओवर टाइम तो उसके पैसे भी देती है तो यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन सोर्स हमें नज़र आ रहा है फीचर नज़र आ रहा है सो मोटिवेशन इज़ इंटरनल फीलिंग मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ऑरिएड गड बिहेवियर या फिर मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और उसके बाद है मोटिवेशन कैन बी आईदर अ पॉजिटिव और तो यहाँ पे देखो वो सजा देने की भी बात कर रही थी और किस चीज़ की बात कर रही थी कि भाई ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे देने की तो so, यहाँ पे मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड हो सकता है जब हम पेनल्टी लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है अंडर अटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर क्या करते है गा? इस कंट्रोल मैनेजर क्रिटिकल सी पी सी में कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्रिटिकली ऑब्जर्व एंड एक्ट ऑन एवरी डिसीजन नो इग्नोर डेविएशन नो टेंस टू डेविएशन टेकिंग प्लेस इन की एरियाज येस यानी कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी कि जो की रिजल्ट एरिया जो मेन है बिजनेस के लिए उस पर ज्यादा एफर्ट्स करता है उसके बाद नेक्स्ट के स्टडी प्लानिंग इन दबसेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस यानी कि प्लानिंग अगर आपने कर ली और कंट्रोलिंग नहीं करी तो प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाती है वट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ

दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ द कंज़्यूमर ये कंज्यूमर का गाइस क्या है कि भाई जल्दबाजी में मत खरीदो अपना समय लो और चूज़ करो और अच्छी तरीके से चीज़ को पढ़ो खरीदने से पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट right है एक्ट है ऑल ऑफ दी अबब सो जहाँ तक मुझे लगता है एक अगर पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए चूज करें तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अधिकार भी कहीं ना कहीं है कि भाई वो पढ़ सकता है बट इन्होंने बोला क्या कंज्यूमर को समझा रहे हैं तो ये कंज्यूमर की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं एट्थ केस स्टडी पर ओके सो गाइस एट केस स्टडी क्या है द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन गाइस अगर सैंपल कलेक्ट करती है तो वो क्यों करती है आगे बेचने के लिए चेक करने के लिए गेट ब्राइव फ्रॉम द सेलर अरे बाबा मतलब कि ब्राइब लेने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग द पुअर सो so, नहीं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो भी सामान कलेक्ट करती है गाइज वो चेक करने के लिए कि भाई आप जो क्वालिटी का दावा कर रहे हो वो सही है या नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान प्लान अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद आपका स्टेप क्या होता है गाइज प्लानिंग एंड हो जाती है अ न्यू प्लान इज मेड फॉलो अप इज डन नन ऑफ द अबव तो जब भी आपने इम्प्लीमेंट करते हो उसके बाद आप क्या करते हो गाइस फॉलो अप लेते हो ठीक है तो आते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन ये सब चेक करना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है अब आगे बढ़ते हैं गाइस टेंथ क्वेश्चन में डेविएशन आर सेट टू बी पॉजिटिव डेविएशन को पॉजिटिव कब कहा जाता है वेन प्लान परफॉर्मेंस इज मोर देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि हमने प्लानिंग तो ज़्यादा की करी थी और एक्चुअल कम है तो क्या हम इसे पॉजिटिव बोलेंगे नो वेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द प्लान यानी कि हमने ज्यादा काम कर दिखाया जबकि हमने सोचा कम था tenth क्या है टें टेंथ uh, क्या? क्या है स्टडी जिसमें हमें कंज्यूमर आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नेगलेक्टेड बाय द मार्केटर इन दी दब केस ठीक है सो so, विभू परचेज द बॉटल ऑफ अ जैम फ्रॉम द लोकल ग्रॉसरी शॉप विभू ने क्या खरीदी गाइज एक बॉटल खरीदी जैम की कहाँ से ग्रॉसरी शॉप से द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर ठीक है ही फील्स सिक ऑन कंज्यूमिंग इट ही फाइड द केस इन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड गॉट रिलीफ भाई वो उसने बॉटल खरीदी उस पर प्रिंट सही से नहीं था एंड वो बीमार हो जाते हैं गाइज और केस फाइल करता है उसको रिलीफ भी मिल जाता है अब आपको कौन सा एस्पेक्ट यहाँ नेग्लेक्टेड लग रहा है मार्केटर ने ध्यान नहीं दिया पैकेजिंग ब्रांडिंग लेबलिंग या प्राइजिंग सो गाइज उसने क्या चीज पर ध्यान नहीं दिया उसने ध्यान नहीं दिया लेबलिंग पर क्यों क्योंकि वो चीज़ सही नहीं थी बॉटल ऑफ द जैम फ्रॉम एंड द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट क्लियर द बॉटल वॉज नॉट क्लियर तो लेबलिंग यानी कि प्रॉपर नहीं थी उस पर क्लियर नहीं था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है गाइज हमारा ट्वेल्थ

राइट टू बी हर्ड होगा गाइज उसने अपनी सुनवाई की भाई मेरी बात की सुनवाई हो मेरी मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाए तो उसने राइट टू बी हर्ड यूज़ किया उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल इन्वायरमेंट सोशल के बारे में बताना है तो सोशल जो लोगों से जुड़ा होता है उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस से जुड़ा होता है राइट सो मनी सप्लाई इन द इकॉनमी बिल्कुल नहीं हो सकता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ द कंट्री लीगल है कंपोजिशन ऑफ फैमिली इज अ सोशल इन्वायरमेंट राइट इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड एटलीस्ट अ फाइव अदर मेंम शुड भी वुमेन तो पहली ही गलत है गाइस एक प्रेजिडेंट के साथ कितने लोग होने चाहिए चार लोग होने चाहिए और उसमें से वुमेन होने चाहिए तो यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत थी तो आगे की हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है फिफ्टींथ ठीक है नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स की बतानी है कि कौन सा एलिमेंट है जो फेल हो गया राज कौन है द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ऑफ एन वाई एक्सप्रेस लिमिटेड इज गुड पोज इज गुड मार्केटिंग टेक्निक इन्वॉल्व द मैसेज कन्विंसिंग द कस्टमर विद फेस टू फेस इंट्रेक्शन तो uh, ये क्या कर रहेगा इस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो यहाँ पर डायरेक्टली बात करी जा रही है प्रमोशन की क्योंकि प्रमोशन में ही हमारा डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है जिसमें सेल पर्सन के थ्रू हम चीज़ों को बेचते हैं राइट सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मनी मार्केट इसमें से कौन से गाइज स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द मनी मार्केट सो इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क इट इज सिचुएटेड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन डील्स इन अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेथ इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिड आर हाईली लिक्विड सो इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन ये सही नहीं है बाकी सारे करेक्ट है ठीक है हाईली लिक्विड तो होते ही हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज जनरली इट इज थॉट दैट प्लानिंग इज रिलेटेड टू द प्लानिंग साइकिल इट मीन्स दैट अ प्लान बाई इज़ इट मीन्स दैट अ प्लान इज़ फ्रेम इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज़ फॉलोड बाई अनदर प्लान एंड सो ऑन द अब स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अ फीचर ऑफ प्लानिंग अब कौन सा फ्यूचर है गा? इसकी एक प्लान आता है फिर उसके बाद हम दूसरा प्लान ले आते हैं फिर तीसरा ले आते हैं सो प्लानिंग इज कंटिन्यूस फ्यूचरिस्टिक या डिसीजन मेकिंग पर बेसिड सो कंटिन्यूस क्योंकि लगातार प्लान्स होते जा रहे हैं राइट right? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज लीड टू वायलेशन ऑफ़ कौन सा प्रिंसिपल है गाइज अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को जल्दी जल्दी निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्परिटिकॉब्स डिसिप्लिन इनिशिएटिव स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्योंकि यहीं पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को समय देना चाहिए कि वो बिजनेस में सेटल डाउन हो सके वाइल्ड रीडिंग द लेबल ऑफ अ पैक ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल रॉन इट डिस्कवर्ड द प्रोडक्ट वॉज मैन्युफेक्चर इन दिल्ली बट वॉज अवेलेबल फॉर सेल इन मेनी स्टेट अक्रॉस द कंट्री आइडेंटीफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट हैज बीन देट हैज़ मेड दिस पॉसिबल जब गाइस uh, वो लेबल पड़ रहा था एल्यूमिनियम का तो रोनित ने ये डिस्कवर किया कि ये दिल्ली में तो बनता है बट ये पूरी जगह पर अवेलेबल है यानी कि बहुत जगह पर हमारी कंट्री के अवेलेबल है तो कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है जो इस काम को करवा पा रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी वजह से आ, हम अपनी चीजों को पहुंचा पा रहे हैं सो ट्रांसपोर्टेशन राइट इसके बाद है क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट द टेलर एंड फ्योल सो फ्योल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर वेयर इज टेलर वॉज अ मैकेनिकल ओके फ्योल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज सिचुएशन वेर टेलर प्रिंसिपल अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन सो गाइज ठीक है ये भी फेऑल प्रिंसिपल वर्क फॉर्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस वेर आर टेलर प्रिंसिपल फॉर्म थ्रू एक्सपेरिमेंट फे प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द टॉप आप थोड़ा सा मुझे गेस्ट करो इसका क्या हो सकता है एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेर आज टेलर प्रिंसिपल अपलाई टू द शॉप फ्लोर तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे गाइज कमेंट के थ्रू अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो ये आप मुझे बताने वाले हो और गाइस इसके जो रिमेन क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करने के लिए दूंगी दूँगी जिसकी पिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे ले सकते हो यूट्यूब पे आपको पता है जहाँ पे, आ, क्या कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट आती है वहाँ पर आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको घर पर खुद से अटैम्प्ट करने हैं और फिर उसके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसका आंसर आप मेरे साथ शेयर करेंगे मुझे तो पता चल चुका है लेकिन आप बताएंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आइडिया तबियता मैसी आप पूछ सकते हो थैंक यू